हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10th जो लोकवाणी का जो 7 चैप्टर है, दूसरी इकाई का प्राकृतिक संवाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इसके राइटर है राम दरस मिश्र, उनके द्वारा जो लिखित यहाँ पे प्राकृतिक संवाद ये एक टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो उनके द्वारा जो लिखा हुआ पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्राकृतिक संवाद यानी और किस तरह से आप प्रकृति के साथ बातचीत कर सकते हो, उसी के बारे में यहाँ पे एक बताया गया है, ठीक है। तो ये कहें तो किसी की एक कल्पना किस तरह से होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा सब करना चाहता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक संवाद है वो प्रकृति के साथ किया गया है। और इसके अंदर जो संवाद है वो जो आंगन में पेड़ पौधे लगे होते हैं आपने गांव में देखा होगा, उसके साथ किया गया है, ठीक है। और उसी के ऊपर ये जो पूरा पाठ है उसको लिखा गया है, ठीक है। तो उसके उससे पहले हम लोग पाठ शुरू करें, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो राम दरस मिश्र जी हैं उनका जो परिचय है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे उनके जन्म के बारे में बताया गया है और परिचय के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह के व्यक्ति थे वो, ठीक है। और उसके बाद उनके कौन कौन से कविताएं प्रसिद्ध हुई, उनके प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ पे पूरा आपको अच्छे से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मेन प्राकृतिक संवाद का जो लेसन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, समय ऐसे ही गुजर रहा है, कभी गर्दन का तनाव बेहद पीड़ित करता है, कभी दोनों कलाइयों में दर्द होने लगता है, तो प्रकृतिस्थ नहीं रह सकता, नहीं रह पाता, रात भर दर्दों का आपस में संवाद होता रहता है, फिर भी न जाने किसकी दुआ है कि सो जाता हूँ, नींद आती रहती है, जाती रहती है और रह रहकर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी रहती है। सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है, यदि सुबह को ठंडी हवा चल रही होती है तो तन मन में ताजगी का स्पंदन महसूस होने लगता है। उठता हूँ तो सरस्वती जी के घर के अनेक प्रभाती कार्य निपटा चुकी होती हूँ और मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके बारे में बताते हुए कहा गया है कि किस तरह से आपने देखा होगा कि अगर एक बार अगर एज हो जाती है तो लोगों के अंदर शरीर के अंदर बहुत सी जो परेशानियां है वो आने लगती हैं। तो वही अपनी परेशानियों को बताते हुए कहते हैं कि किस तरह से उनका जो दिन है वे कटता है, किस तरह से वह सोते हैं, किस तरह से वो सुबह का नाश्ता मिलता है, किस तरह से सुबह वो महसूस करते हैं, वो सभी चीजों को यहाँ पे उन्होंने बताया है। नृत्य कर्म से निवृत्त होकर चाय पीकर आंगन और गैलरी में टहलने लगता हूँ, आज भी यही क्रम शुरू हुआ है। सामने के बड़े गमले में गुंबद का आकार ग्रहण किए दोनों ने अपनी महक और हरितिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया है। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, हथेलियां महक से गमगमा गई, सांसों में महक गुनगुनाने लगी। शीतल माई के स्वागत में गाया जो गीत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ वो मेरी यादों में जाग उठा। हमारे दुअरवा मैया दवन तरुअवा हो। एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी भी मुस्कुरा रही थी। प्रणाम माते कहकर मैं उनके पास चला गया। कुछ देर उन्हें निहारता रहा और महसूस करता रहा कि मेरी रंगों में उतना रस दौड़ रहा है और मेरे ही रगों में क्यों, पूरे परिवार के रगों में। ले लो, आवाज आई और मैंने आज ही दवा के लिए कुछ पत्तियां उनसे मांग ली। आंगन में स्थित पार्क की दुनिया बड़ी छोटी है, उसी में एक के बाद एक परस्पर पेड़ पौधे अलंगित से खड़े हैं। तुलसी से बतिया ही रहा था कि मीठी नीम से हल्के से आवाज दी। उसने देखा उसकी हरी हरी पत्तियां हवा में हल्के हल्के फरफरा रही थी और वह फरफराहट भरे मेरे भीतर उतर रही थी। उसने देखा, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई, कड़ी खानी छोड़ दी है क्यों। मैं हंसा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हर चीज का अपना समय होता है ना, तुम तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पेट की बात छोड़ो, आंखों में तो तुम हरदम मोहक हरियाली बनकर छाई रहती हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पूरा संवाद है उसको एक छोटे शब्दों में यही कहेंगे तो इसमें जिस तरह से बात किया गया है, जिस तरह से प्रकृति से संवाद किया गया है कि सुबह उठने के बाद
चाय चाय की चुस्की लेने के बाद, फिर अपने गमलों से बातचीत, गमलों को और देखने के बाद, वहां पे सुनहरे सुनहरे फूलों की सुगंध लेने के बाद, तुलसी से बात किया, फिर तुलसी के यहाँ पे कुछ फायदों के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद उससे किस तरह से तुलसी हमारे लिए उपयोगी है, उसके लिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद वो अपने आंगन में एक नीम का पेड़ है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो नीम का पेड़ है हमेशा हरा ताजा भरा लगता है, क्योंकि आपने नीम का जो पेड़ देखा होगा वो हमेशा हरियाली से भरा रहता है, उसके पत्ते अपने सूखते हैं वापस चले आते हैं, और वो पतझड़ की पेड़ की तरह नहीं होता कि एक ही बार में उसके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं और वापस पुनः नए आते हैं, लेकिन वह साल के बहुत से समय तक वो हरियाली से भरा होता है। और वही देख के यहाँ पे जो व्यक्ति थे उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसकी सराहना की और ये भी कहा कि तुमने सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखा बल्कि मेरे पेट का भी ख्याल रखा है और जो मेरी आंखें हैं उसका भी तुम ख्याल रखते हो, क्योंकि ऐसी हरियाली देखना किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह की जो बातें थी पेड़ों के बीच, पेड़ों के साथ उन्होंने की थी। चिड़िया चहचहा उठी, फिर समूह में फुर से उड़ी और आकाश में पंखों के वह स्वर की एक लय बन गई, फिर वह लौट आई। हाँ, उनके आश्रय की तरह ये हर सिंहार का पेड़ कितना खुश हो रहा था, जैसे कह रहा हो, आओ चिड़ियों मेरी डाल डाल पर फुदको और गाओ, आओ चिड़ियों अपने मीठे मीठे स्वरों से मुझे नहलाओ। मैंने देखा हर सिंहार नए पत्तों और टहनियों से लत गया है, जाड़े में खंडक सा हो जाता है, और कभी कभी डर लगता है कि यह सूख तो नहीं रहा है, लेकिन वसंत आते ही इसके भीतर सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस उछलने लगता है और क्रमशः नई टहनियां तथा नए पत्तों के सौंदर्य में लज जाता है। तो यहाँ पे एक और पेड़ के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो हरसिंहार का पेड़ होता है वो किस तरह से होता है, जिस तरह से पतझड़ आने पर उसके सारे पत्ते एक साथ झड़ जाते हैं, और इससे उन्हें लगता है कि ये जो पेड़ है किस तरह से एकदम बेजान हो गया है, और कभी कभी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कहीं ये पेड़ सूख तो नहीं रहा है, परंतु जैसे ही जो वसंत ऋतु का आगमन होता है, यानी पतझड़ के बाद का मौसम जिसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देती है, उसके अंदर उन्हें फिर से उस पेड़ के अंदर नई जान नई ऊर्जा देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारी पत्तियां आती है, नई टहनियों का जन्म होता है। तो इस तरह से ये जो सिलसिला है वो बहुत वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, और उन्हें ये सब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खुश करती हैं। लेकिन मैं उसे देख रहा हूं और लगता है कि जब उसे फूल आया तब इसमें फूल आया है। हाँ, यही हर सिहार बहुत मस्त है, आषाढ़ में ही हल्की हल्की हंसी और उसमें फूटने लगती है, फिर शरद में तो कहना ही क्या है, तारों भरा आसमान बन जाता है, रात भर जगमग जगमग करता रहता है और सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बिछ जाता है। यानी यहाँ पे हर सिहार के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है कि जिस किस तरह से रात को उसके जो फूल है वो खिलते हैं और सुबह वो सारे फूल जमीन पर बिछे हुए रहते हैं, जिस तरह से रात के समय में जो तारे हैं वो आकाश के अंदर चमचमाते हैं, उसी तरह से जो हर सिहार के फूल है वह देखने में लगते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि अरे वही अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, चिड़िया तो मेरे ऊपर भी खेलती है, गाती चहचाती है, फिर मेरी उपेक्षा क्यों। नहीं, अमरूद भाई, तुम्हारी उपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ। अब उन्होंने अमरूद के साथ संवाद किया, जो आप गोवा का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, उसके साथ उन्होंने संवाद किया और कहा कि तुम तो इस आंगन में हर सिहार से पहले के नागरिक हो, और दरअसल तुम दोनों ने मिलकर जो रूप मंडप बनाया है वह चिड़ियों का क्रीड़ा धाम है, तुम दोनों तो सटे हुए हो, चिड़िया तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर और उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर आया जाया करती है, उन्होंने तुम दोनों में कोई बंटवारा नहीं किया है और मैंने भी कहाँ किया है, तुम दोनों का जो अस्तित्व है हम सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वसंत आते ही तुम्हारी भी विरल झाड़ियां नई पत्ती और टहनियों से सघन होने लगती है, और हर सिहार तो पावस के फूलना शुरू करता है ना, तुम तो चैत लगते ही बौराने लगते हो, महकते हुए नन्हे नन्हे सफेद फूलों से तुम्हारा वजूद जगमगा उठता है, और छोटे छोटे फल फूलों के भीतर से बढ़ने झांकने लगते हैं, धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आने लगती है, और आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाट
में तुम्हारे फलों की मिठास भर जाती है। वे तुम्हारी डाल डाल पर नाच नाच कर भोज महोत्सव मनाने लगती हैं, और हम लोग भी तो तुम्हारे फलों का प्रसाद पाते हैं। कितने बड़े बड़े और मिठास भरे होते हैं तुम्हारे फल। तो यहाँ पे अभी जो अमरूद है उसके साथ संवाद करते हुए अमरूद के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वसंत ऋतु आने पर अमरूद के पेड़ों में भी नई नई पत्तियां आती है, नई नई टहनियां आती है, किस तरह से उसके अंदर फूल आते हैं, फूल से फिर छोटे छोटे फल बनते हैं, फिर आषाढ़ आते आते ये जो फल है वो मिठास में बदल जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, और जो उस पे चिड़िया रहती है किस तरह से वो चिड़िया उसका महोत्सव मनाती है, वो खाती है उन्हें, और उसी प्रकार से जो हम भी हैं तुम्हारे फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे खाते हैं, और जिस तरह से तुम्हारे फलों के अंदर मिठास होती है उसकी क्या बात करें। ठीक है, यहाँ पे और आगे कहा गया है कि अरे महाशय, मैं भी तो हूँ इस पेड़ के नीचे, हूं तो क्या हुआ है, हूं तो, अरे अरे अड़हुल प्यारे, मैं तो कैसे भूल सकता हूँ। अभी यहाँ पे अड़हुल का पेड़, जो आपने फ्लावर का पेड़ देखा होगा, ठीक है, उसको अड़हुल जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हिबिस्कस का प्लांट, तो यहाँ पे आप वह हिबिस्कस अड़हुल के पेड़ से बात कर रहे हैं, और वह कहते हैं कि लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए मेरे समय को रंगते रहो, और मुझे एक प्यारी सुबह मिले इससे अपनी प्यारी भूमिका निभाते रहो, आभारी हूँ दोस्त। देखा कुछ दूर पर सहीजन झूम रहा था, जैसे बुला रहा था, आता हूँ भाई कैसे हो, तुम तो सदाबहार हो भाई, और पेड़ तो वसंत में फूलते हैं, तुम तो 12 मास सुगंध भरे फलों से लदे रहते हो, और उन फलों पर मधुमक्खियां वो भौरे गुनगुनाया करते हैं। जाड़ों में जब मैं तुम्हारे पास धूप में बैठता हूँ तब तुम्हारी मतवाली सुरभि से नहाता रहता हूँ, भीतर कविता गुनगुनाती है, बाहर तुम्हारे फूल, और 12 मास तुम फलियों में लदे रहते हो, और फलियां मेरे घर से लेकर पड़ोस तक अपना स्वाद बांटती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी उन्होंने गुड़हल से बात किया, उसके बाद उन्होंने सदाबहार जो फूल होता है जो पूरे साल खिलता है और चारों तरफ अपनी सुगंध को फैलाता है, उससे बात किया, और उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि आप ऊंचे लोगों को ही देखते रहेंगे, हम छोटो छोटे हैं तो क्या हुआ, हम भी तो होते हैं। अभी यहाँ पे जो बेला का फूल है वो अपनी बात कहता है, ठीक है, तो यहाँ पे बेला का फूल भी अपने संवाद को बताता है कि किस तरह से उसने भी उस घर के लिए योगदान दिया है। ठीक है, वो सभी चीजें यहाँ पे बताई गई है, किस तरह से वो पूजा में साथ देता है, किस तरह से वो कलश में साथ देता है, किस तरह से उन्हें उसने ये सब जीवन देखा है। ठीक है, ये सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे जो बाकी सब पौधे हैं वो चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। एक पौधा खिला खिलाकर हंस रहा था, खिल खिलाते हुए बोला, कैसे हो दोस्त, सहीजन के ऊपर से आवाज गिलोय लता थी, मुझे भी भूल गए दोस्त, नहीं मेरी गिलोय बहना, मैं आते जाते देखता हूँ रहता हूँ, और तुम्हारी हरी हरी फलियां मेरी आंखों को सुख देती है, एक तुम ही तो हो, शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो घबराना नहीं। बातें करते करते गेट आ गया, गिलोय ने कहा, ठीक है जाओ घूमाओ, जब मैं गेट के बाहर निकलता तब मैं भरा पूरा अनुभव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में है गिलोय के बारे में बताया गया है, जिस तरह से पेंडेमिक के अंदर गिलोय ने जिस तरह से साथ दिया है लोगों का काढ़े के रूप में, तो इसकी हम बात ही क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी अच्छा एक पौधा है जिसको आप घर में लगा सकते हैं, और उससे आप काढ़ा बना के आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे संवाद करते हुए पूरे संवाद को यहाँ पे अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा संवाद था यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस विषय के अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहां पे अपने जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।